good morning kids welcome to morning international school and today i am going to give you the explanation on similes revision worksheet number 12 kids already i taught you about similes in earlier video also but i want to explain you the exercise which is coming in your worksheet number ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर फाइव इन सिमिलीज ग्रामर पार्ट सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इच सेंटेंस हैज़ अ सिमिली अंडरलाइन द सिमिली एंड राइट द टू थिंग्स बींग कंपेयर्ड ओके किड्स यहाँ पे आपको सिमिलीज में क्या करना है आपके क्वेश्चन में सिमिलीज तरह के वाक्य आए हैं शब्द आए हैं वो आपको क्या करना है अंडरलाइन करना है जो कि मैंने येलो में यहाँ हाईलाइट कर दिया है और रेड वन में वो आंसर बाहर निकाल के लिख दिया जिसमें दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ओके okay, किड्स तो जैसा कि आपको मैंने पहले के वीडियोस में भी कहा है पहले आपके प्लेन वर्कशीट जाएंगे जिसमें आपको ये सारी खुद से तैयारियाँ करनी खुद से आंसर्स बनाने हैं और जब मैं इसके आंसर आपको भेजूँगी तो आपको उसको वेरीफाई करके लर्न कर लेना है ओके किड्स सो लेट्स कंटिन्यू नंबर वन शीन स्लैप्ट लाइक अ लॉग आफ्टर रिटर्निंग होम क्योंकि शीन जो सोता है स्लैप्ट है लाइक अ लॉग की तरह यानी लकड़ी की तरह सोता है वो तो कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है सोने और लॉग के बीच में इसलिए शीन लॉग सो कौन रहा है शीन यस yes, तो शीन और लॉग शीन जो है लॉग की तरह सो रहा है इसलिए ये दोनों चीज़ आपके बाहर आ जाएंगी आंसर्स में रेड वाले में सेकेंड नंबर है ही वॉज एज हंगरी एज अ ओल्फ राइट हंगरी यानी भूखा है भेड़िए की तरह पर भूखा कौन है ही तो ही और उल्फ ये आपका दो आंसर होगा सेकेंड नंबर में थर्ड है हीस्टमी ग्राउल्ड ग्राउल्ड लाइक अ लायन यानि जैसे लायन की आवाज़ आती है उसी तरह उसके पेट में से भी आवाज़ आ रही थी किसके हीज तो हीज एंड हीस्टमी एंड लायन ये आपका आंसर होगा She was as busy as अ बी वो हनी बी की तरह बहुत ही बिज़ी थी जिस तरह से हनी बीज मधुमक्खी शहद बनाने में हमेशा बिज़ी रहते हैं वो कभी फ्री नहीं होते उसी तरह वो लड़की भी बिज़ी थी ओके तो यहाँ पर she और बी इन दोनों के बीच में कंपेरिजन हो रहा है इसलिए ये दोनों बाहर आ जाएंगे आंसर में Her smile was as bright as the sun. किसकी स्माइल सन की तरह ब्राइट है हर राइट right? तो आपको हर स्माइल एंड सन के बीच में कंपैरिजन करना है और वो आपका आंसर होगा तो आपको वो बाहर निकाल के लिख देना है द लास्ट वन इज शीन्स ग्रैंड मदर वॉज एज जेंटल एज अ लैम जिस तरह भेड़ शिप का बच्चा होता है लैम बहुत सॉफ्ट हार्टेड सॉफ्ट नेचर से ऑफ बॉडी का उसी तरह शींस की ग्रैंड मदर थी यानी कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है कंपेरिजन शींस ग्रैंड मदर एज अ लैम लैम के बीच में तो यहाँ पे ये दो आंसर आपके राइट right होंगे जो आपको बाहर निकाल के रेड वाले में लिखना है ओके okay, किड्स तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो पहले आपको अंडरलाइन करना है इन योर आंसर उसके बाद वो आंसर्स को पर्टिकुलरली बाहर निकाल के लिख देना है ओके किड्स सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स वेरी वेल येस आई नो माई किड्स आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट नावर्ड डेज ओके किड्स If you feel any doubts even though you can call me you can message me at any time i will definitely help you so thank you so much everyone stay safe at home and god bless you all take care yourself too